खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत माँ की गहना है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर कार्यालय तक में हिंदी दिवस के उपलक्ष में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आजाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में पहचान दी गई थी। हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1952 से हुई है। खासकर हिंदू बेल के शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में भी इस दौरान कविता पाठ भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होता है। सिंह हॉस्पिटल की लापरवाही से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। सदर अस्पताल के रेस्पिरेटरी वार्ड में भर्ती वृद्ध मरीज की शनिवार को उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। मरीज सदर प्रखंड के घाट जमनी गांव की निवासी था। वह 2 दिन से सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को देर शाम मरीज को मर्सी हॉस्पिटल पोड़ियाहाट रेफर कर दिया गया, जहां मर्सी हॉस्पिटल के प्रबंधक द्वारा मरीज को भर्ती लेने से इनकार कर दिया गया, जिसमें उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तत्पश्चात मरीज को वापस सदर अस्पताल गोड्डा के आइसोलेशन वार्ड में लगाकर रखा गया। शनिवार की देर रात मरीज ने आइसोलेशन वार्ड में दम तोड़ दिया। मरीज को पूर्व से ही उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधित सहित अन्य बीमारी है। खेलो इंडिया ई पाठशाला परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का विजेता बनी मनीषा। खेलो इंडिया ई पाठशाला ने 3 माह पूरे कर लिए हैं। इसमें प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक विभिन्न खेलों में ई कोर्स कराया जाता है। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह बेस्ट खिलाड़ी का चुनाव किया जाता है। इस अवार्ड से तहत खिलाड़ी को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह से सर्टिफिकेट एवं टी शर्ट देकर सम्मानित किया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोड्डा जिला एसोसिएशन के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पथरगावा की मनीषा कुमारी को परफॉर्मेंस ऑफ द वीक चुना गया है। गोड्डा के मेहरमा ठाकुरगंगती पथ के समतलीकरण का काम हुआ शुरू। गोड्डा के मेहरमा ठाकुरगंगती मुख्य मार्ग में जगह जगह बने गड्ढे से हो रही परेशानी को स्थानीय विधायक दीपिका सिंह पांडे ने गंभीरता से लिया है। उनकी पहल पर पीडब्ल्यूडी से सड़क के समतलीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मेहरमा क्षेत्र से छोटा बड़ा मानगढ़ पंचायत के मैनाचक गांव के आगे मानगढ़ गांव के आसपास तक जेसीबी अन्य मशीन द्वारा समतलीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। इससे ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। बीते 2 माह से आम लोगों को सड़क पर चलने में भारी परेशानी हो रही थी। सड़क के समतलीकरण से लोगों को राहत मिलेगी। 118 SHG की 1700 से अधिक महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। झारखंड में गोड्डा जिले के 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1700 से अधिक महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मूर्त रूप देकर आत्मसम्मान से जीने की राह हमवार की है। कोरोना काल में इन महिलाओं ने लाखों मास्क बनाकर कम से कम मूल्य में सड़कों पर काउंटर लगाकर बेचे, जिससे कोरोना से जंग में मदद मिली तथा आधी आबादी के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1700 से अधिक महिलाएं फूलों झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल के अंतर्गत 4 सेंटर पर मास्क, स्कूली ड्रेस, स्कूली वेस्ट स्वेटर बनाकर पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गई है। देवघर में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक हो चुके हैं संक्रमण का शिकार। देवघर जिला में संक्रमण की चपेट में आने से शायद ही कोई बचा हो। चिकित्सक से लेकर पुलिस भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। रविवार को भी एक महिला चिकित्सक कोरोना संक्रमित पाई गई। इससे पहले शनिवार को सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के लगभग आधा दर्जन चिकित्सक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 3 चिकित्सक कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 1 चिकित्सक का इलाज पटना एम्स के द्वारा किया जा रहा है। वहीं 4 आयुष चिकित्सक भी कोरोना संक्रमण हुए थे, हालांकि बाद में सभी आयुष चिकित्सक संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। एम्स देवघर का जीबी सदस्य बनने के लिए 3 सांसदों में प्रतिस्पर्धा।
एम्स देवघर की गवर्निंग बॉडी का चुनाव ऑनलाइन किया जा रहा है। एम्स देवघर की इंस्टीट्यूट बॉडी में शामिल सदस्य ही गवर्निंग बॉडी के सदस्य का चुनाव करेंगे। इसके लिए सभी को नॉमिनेशन फॉर्म भेजा गया है। एम्स जीबी में अन्य सदस्यों के अलावा एक संसद सदस्य और 6 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनका चयन इंस्टीट्यूट बॉडी के सदस्यों के बीच किया जाता है। संसद सदस्य के रूप में डॉक्टर निशिकांत दुबे, पीएन सिंह और समीर उरांव के बीच प्रतिस्पर्धा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय। भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कार्यालय पोड़ियाहाट में मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार भगत एवं डब्लू भगत के अध्यक्षता तथा मंडल कार्यालय डाणे में श्याम जसवाल के अध्यक्षता में प्रदेश द्वारा आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम का निमित्त बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का दिशा निर्देश का विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि कार्यक्रम में दिव्यांगों के लिए वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए सभी पंचायतों में पंचायत प्रभारी के नियुक्त किया गया है। मौके पर जिला महामंत्री गजाधर सिंह, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ सिंह, जनार्दन सिंह, संतोष भगत, मनोज यादव, छेदी राउत, मंडल कार्य समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। पर है साहेबगंज लंबित वेतन भुगतान पर मंत्री का जताया आभार। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मो रफाउजुल अहमद ने रविवार को सूबे संसदीय कार्य व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के इस्तलामपुर स्थित आवास पर मिलकर मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान पर आभार व्यक्त किया है। जिला अध्यक्ष मदरसा को झारखंड शिक्षा परियोजना से जोड़ने की आग्रह भी मंत्री से किया। इससे मदरसा का भवन निर्माण, विकास, शिक्षक TLM एवं छात्र छात्राओं से संबंधित सभी लाभ मिल सके। इस दौरान जिला एवं प्रखंड स्तर के कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चा की गई। JVM जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के अपने समर्थकों के साथ कार्य पार्टी में योगदान करने की पहल पर भी विमर्श किया गया। इसके लिए समय निर्धारित कर सभी को पार्टी में योगदान करने की बात कही गई। खबर है पाकुड़ से। पोषण अभियान के तहत सेविकाओं ने किया पौधारोपण। समाज कल्याण विभाग की ओर से पोषण अभियान के तहत जिले भर में कई तरह की गतिविधियों की जा रही है। किशोरी, गर्भवती व धात्री महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को जिले के विभिन्न प्रखंड में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिकाओं द्वारा घर घर जाकर पोषण से संबंधित फलदार पौधे लगाए। सेविकाओं ने आम, पपीता, शरीफा आदि के पौधे लगाए तथा उसके गुणों को बताए। लाभुकों को पौधे की देख रेख करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव ने बताया कि 30 सितंबर तक पोषण अभियान के तहत जिले से कुपोषण को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खान पान की आदतों में सुधार लाने के प्रयास किया जा रहा है। देसी अनाजों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से किशोरी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। पोषण वाटिका लगाने के लिए दीदियों को किया प्रेरित। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तत्वाधान में प्रखंड के रामघाटी और राजपोखर गांव में रविवार को संकुशल संघ के दीदियों की बैठक हुई। अध्यक्षता BPO फैज आलम ने की। दीदियों को पोषण अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता, किशोरी की समस्या, प्रसव पूर्व जांच आदि पर चर्चा की गई। एनीमिया टीकाकरण, हाथ धोने की आदत, आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाएं, परिवार नियोजन, शिशु देखभाल इत्यादि पर चर्चा की गई। सखी मंडल की दीदियों द्वारा हाथ धुलाई कार्यक्रम करके सही पोषण देश रोशन का नारा लगाया गया। ग्रामीणों को जागरूक किया गया। दीदियों को पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। JSLPS के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पोषण वाटिका में मुख्यतः नेनुआ, भिंडी, टमाटर, लाल साग, गाजर, चुकंदर, नींबू तथा लत्तेदार सब्जियां लगाना है, ताकि गर्भवती, धात्री, किशोरियों एवं बच्चों में खून की कमी दूर किया जा सके, उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। पाकुड़ के पेट्रोल पंप में धुआं जांच केंद्र नहीं है। नव पदस्थापित ABI नरेंद्र प्रसाद यादव ने जिले के सभी पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ियां मिली, खामियों को अविलंब दूर करने को कहा। ABI के औचक निरीक्षण से पंप मालिक में हड़कंप मच गया है। ABI ने बताया कि शहर स्थित सभी पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया।
पिछले लगातार दो दिनों में प्रखंड में संचालित पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया जा रहा है। जिले के महेशपुर, पाकुड़िया एवं हिरणपुर प्रखंड स्थित सभी पेट्रोल पंप का बारी बारी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में किसी पेट्रोल पंप में धुआं जांच केंद्र नहीं मिला। झारखंड प्रदेश में पाकुड़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां किसी पेट्रोल पंप में धुआं जांच केंद्र नहीं है। पंप मालिकों को 3 दिन के अंदर धुआं जांच केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।